हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता एंड वेलकम टू माय चैनल यूट्यूबर बबीता। आज मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। होलिका दहन के अवसर पर देखिए, होलिका दहन हो रहा है और यहाँ फुल मून भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास के पड़ोस में होलिका दहन हो रही है। मैं अपने छत से इसे देख रही हूँ। देखिए, हमारे घर से कुछ दूरी पे ये प्रोग्राम हो रहा है। और अभी आपको खूब सुंदर सा नज़ारा दिखाते हैं। देखिए आकाश में, वे देखिए फुल मून पूर्ण रूप, पूर्णिमा का चंद्रमा। देखिए क्या सुंदर जगमगा रहा है। ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो मैंने इसे अपने कैमरे में कैप्चर किया है। वैसे तो हम लोगों का कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं रहता है होलिका के दिन, सिर्फ कुछ पकौड़े और पकवान ही बनाते हैं। अगले दिन की तैयारी, तो नीचे चलते हैं और बनाते हैं पकौड़े सभी के लिए। देखने के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। तो पकौड़े के लिए हमने आलू को बॉईल कर लिया है, नमक और हल्दी डाल करके हल्का इसे बॉईल कर लिया है हमने। थोड़े से गोभी है, उन्हें भी हमने बॉईल कर लिया है। थोड़ी शिमला मिर्च है और ये कुछ धनिया पत्ती है, इसके मैं पकौड़े बनाऊंगी। बेसन हमने तैयार कर लिया है, थोड़े से अदरक लहसुन हल्दी और लाल मिर्च नमक डालकर मैंने एक गाढ़ा बैटर तैयार कर दिया है। मैं पकौड़े बनाऊंगी। ऑयल डाल दिया हमने गरम करने के लिए। ऑयल गरम हो चुका है लगभग, अब पकौड़े बना लेते हैं। और इधर हमने रोटी तैयार कर ली है, चलिए पकौड़े बनाकर बच्चों को सर्व करते हैं। पकौड़े फ्राई हो गए हैं और पहले दो पकौड़े मैं अग्नि को अर्पित करूंगी, क्योंकि आज होलिका दहन है तो ये अग्नि को अर्पित कर रहे हैं। अर्पित कर दिया, प्रणाम कर लेते हैं और बाकी के पकौड़े हम थाली में निकालते रहेंगे। ये रही हमारी पकौड़ों की लिस्ट। ये है धनिया पत्ती के पकौड़े, देखिए कितने अच्छे बने हैं। और ये है फूल गोभी के पकौड़े, आलू के बड़े, शिमला मिर्च के। तो चलिए बच्चों को सर्व करते हैं। और ये रहा, मैंने अपने लिए खाना भी परोस लिया है और मैंने कुछ तैयारियां कर ली है कल के लिए। चने भिगो दिए हैं और ये आलू भी मैंने उसके छिलके उतार लिए हैं, पानी में रख दिए इसे। तो कुछ तैयारियां मैं पहले से करके रखती हूँ जिससे मुझे कल आसानी हो। तो मैं डिनर करती हूँ और मिलती हूँ कल। तो मिलिए आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में होली के दिन। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल।